हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में, जो कि एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, इसमें हम कवर करेंगे कि मैंने कौन सा आरआरबी जोन सेलेक्ट किया और क्यों किया, और आपको कौन सा आरआरबी जोन सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा कि सीबीटी वन में मेरा कितना स्कोर आया था, रॉ मार्क्स कितने थे और नॉर्मलाइज मार्क्स कितने थे, सीबीटी टू में कितने मार्क्स आए और सीबीटी थ्री में कितने मार्क्स आए, और कितने कितने महीनों के बीच में सीबीटी वन, सीबीटी टू और सीबीटी थ्री हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा सिलेक्शन, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, कि 2018 की एएलपी की वैकेंसी के अंदर हुआ था। 2018 की फरवरी में ये नोटिफिकेशन आया था, जिसमें स्टार्टिंग में एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो कुल पोस्ट थी वो 26,502 वैकेंसीज आई थी, जिसमें 17,000 के आसपास और 8,800 के आसपास टेक्नीशियन और 17,000 के आसपास एएलपी की वैकेंसी थी। और उसके बाद फिर रिवाइज हो गई थी सितंबर में के आसपास में, कि अब जो वैकेंसीज हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया गया था, जबकि कुल थी 26,000, तो उनको करके कर दिया था करीबन 64,000, जिसमें एएलपी की वैकेंसी को 17,000 से 27,000 कर दिया गया था और टेक्नीशियन को 8,000 से 36,000 तक बढ़ा दिया गया था दोस्तों। तो उस समय हमें लगा कि ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, जिस तरह से अभी सीजीएल की वैकेंसीज हैं, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसी वैकेंसीज दोबारा नहीं आने वाली हैं, तो हमें लगा कि बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना इसका मौके का फायदा उठाया जाए। इस एएलपी के वैकेंसी के लिए दोस्तों, तो इस एएलपी की वैकेंसी के लिए दोस्तों जो है, उम्र 18 से 30 साल रखी गई थी 2018 की वैकेंसी के अंदर। अब आने वाली वैकेंसी में देखिए क्या नोटिफिकेशन में मिलता है। तो पहला जो सवाल उठता है कि मैंने कौन सा जोन लिया था। दोस्तों, मैं हूं बेसिकली हरियाणा से, तो मुझे आरआरबी अजमेर और आरआरबी चंडीगढ़ जोन पास पड़ता था, पर मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब को पाऊं, ना कि घर के पास गवर्नमेंट जॉब को पाना। तो मैंने कैसे सिलेक्शन के लिया था दोस्तों, कि मैंने चेक किया था कि सबसे पहले ये देखा कि किस आरआरबी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो मैंने पाया था कि इलाहाबाद के अंदर करीबन 4500 वैकेंसी थी, उसके बाद सिकंदराबाद जिसमें करीबन 3000 थी, फिर रांची 2000 और फिर थी मुंबई जिसमें 1866 क्या की वैकेंसी थी। तो मुंबई से मैंने भरा, इसीलिए मुझे मुंबई का एग्जैक्ट जो है नंबर याद है, 1866। तो मैंने इसको इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ज़्यादा ना तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी वाले में मैंने फॉर्म को भरा, और ना ही बहुत ही कम वैकेंसी वाले में, 3 से 4 नंबर पे। और आप भी अगर आपको चाहिए कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं गवर्नमेंट जॉब को पाना, तो आप ऐसे ही सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें तीसरे या चौथे नंबर पर वैकेंसी हो, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एज आई प्रेफर। वैसे आप चाहें तो आप जो भी करें, कोई इशू नहीं है। दूसरा, उसके बाद जब हमने 2018 में दोस्तों मैं कराता था टीचिंग और साथ में करता था ट्यूशन, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आया उससे पहले मैं तैयारी भी करना चालू कर रखी थी। 2016 से ही मैंने प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी मैं करता था, इसीलिए मैं अभी भी आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप अभी से तैयारी करना थोड़ा थोड़ा चालू कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी जल्द ही आने वाली है दोस्तों। तो मई और जून में आपको देखने को लिए मिल सकती हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। तो पहला जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, सीबीटी वन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वन, वो हुआ था 9 अगस्त को, 9 अगस्त 2018 को हो गया था। और वो मेरा एग्ज़ाम दोस्तों हुआ था गुड़गांव में, ओएन करके था एक कॉलेज, उसके अंदर। उसका जो रिजल्ट आया था दोस्तों, वो दो बार आया था, 2 नवंबर और 20 दिसंबर को। दोस्तों, जो रिजल्ट सीबीटी वन का था मेरा, उसमें क्वेश्चन थे 75, और 75 क्वेश्चंस में से मैंने जो अटेम्प्ट किए थे वो इसमें नहीं दिख रहे हैं, पर 72 क्वेश्चन को वैलिड माना गया था रेलवे के द्वारा, आरआरबी के द्वारा। और उन 72 क्वेश्चंस में से मेरा जो रॉ मार्क्स बना था वो बना था 29। तो ये 75 में से मेरे 29 बना दोस्तों।
तो अब आउट ऑफ 100 अगर निकाला तो ये इसमें अपने आप ही आया, तो आउट ऑफ 100 दोस्तों मेरे 40.27 बने थे। और जैसा कि मेरी शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी तो नॉर्मलाइज्ड होकर हमारे मार्क्स बन गए थे दोस्तों 60.88। मेरा जो ट्रेड था वो इलेक्ट्रॉनिक्स था, क्योंकि मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से की हुई है। जो पोस्ट प्रेफरेंस मैंने डाली थी वो थी सेंट्रल रेलवे फर्स्ट, इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों अभी। और फिर नीचे लिखा आ गया था कि हाँ आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हैं। अच्छा अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये जो CBT 1 है ये केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब केवल आपको इसको पास करना है। जनरल के लिए ये 40% है, ये मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है, ऊपर जो लिंक दिया है उसमें आप देखकर वहाँ से देख सकते हैं कि पूरा प्रोसीजर कैसे कैसे है। तो केवल 40% लेना था जनरल के लिए, तो उसके लिए क्वालिफाई हो ही गए थे हम पहले से ही। अब इसके मार्क्स दोस्तों मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका रिजल्ट एग्ज़ाम देने के 2 महीने के बाद आ गया था। इसमें दोस्तों जो क्वालिफाइंग कट ऑफ आई थी जर्नल के लिए वो थी 47.34, ये इलेक्ट्रिकल के लिए थी दोस्तों, बताता हूँ इलेक्ट्रिकल क्या है, और 44.54 ये थी मैकेनिकल के लिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो हमारे इंजन हैं वो इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों में करते हैं, तो ALP की वैकेंसी इलेक्ट्रिक में भी निकली थी और मैकेनिकल में भी, तो इससे अपने को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बस करीबन आप मान के चलिए इन बिटवीन इसकी 45 की कट ऑफ आप लेके चल सकते हैं कि 45 तो आपको लाने ही लाने हैं आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, तो आपका सिलेक्शन CBT 1 के लिए हो जाएगा। CBT 2 की तैयारी करना चालू कर दीजिए। अब इसका एग्ज़ाम होने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद करीबन 5.5 महीने का समय हमें मिल गया था उस समय, अभी हो सकता है कम भी हो। तो फिर CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों हमारा 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी को दोस्तों ये जो एग्ज़ाम था ये 3-4 दिन में कंडक्ट करा दिया गया था CBT 2 का, 3 से 4 दिन के अंदर ही। और जो CBT 1 का एग्ज़ाम था उसके लिए करीबन 1 महीना का समय लगा था। अब जो CBT 2 का एग्ज़ाम था मेरा दोस्तों हुआ था मुंबई में। CBT 2 के एग्ज़ाम में जैसा कि मैंने आपको बताया 2 प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी जैसा कि आपका टेक्निकल रहता है और पार्ट ए आपका इसी तरह का जनरल टेस्ट रहता है। जो पहला रिजल्ट आया था इसका भी दोस्तों 2 बार रिजल्ट आया था, तो जो पहला रिजल्ट आया था वो था 5 अप्रैल को और दूसरा रिजल्ट 29 अप्रैल को आया था दोस्तों। अब दोस्तों हुआ क्या था, ये तो है फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम का रिजल्ट, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। पर मेन जो चक्कर था दोस्तों, मेरा जो डाउट था वो था CBT 2 का रिजल्ट। एक मिनट मैं बताता हूँ, ये तो दोस्तों हुआ क्या था कि रिजल्ट आने से पहले, पार्ट बी का रिजल्ट आने से पहले आती है आंसर की, और आंसर की जैसे ही आई थी तो रात का समय था, हर बार रिजल्ट लगभग रात में ही आता था 6-7 बजे। तो मैंने देखा तो आंसर की में दोस्तों होता क्या है, इसके अंदर हमें पार्ट बी में ट्रेड टेस्ट में 75 मार्क्स में से 35% मार्क्स लेने होते हैं। तो अगर हम 75 का 35% निकालेंगे तो वो बन जाता है दोस्तों 26.25। और मेरे साथ ऐसा संयोग हुआ कि जो मैं जितने मार्क्स का क्वेश्चन करके आया था वो मेरे बन रहे थे 25 मार्क्स। तो दोस्तों आपको पता है अगर आपके पार्ट बी में
मार्क्स इतने नहीं आए और पार्ट भी आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आपके पार्ट ए में कितने भी मार्क्स हों, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, हो गया मेरे को टेंशन। अब रात को नहीं आ रही थी नींद, तो फिर मैंने क्या किया, 2-3 बार उसको देखा। फिर एक जगह लिखा हुआ था कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है किसी क्वेश्चन के ऊपर, तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं 50 रुपीज़ पे करके। तो दोस्तों, फिर मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढना चाहा। देखिए, रीज़न क्या था, मेरे को केवल एक ही क्वेश्चन चाहिए था, कि क्योंकि वो जो क्वेश्चन मेरा गलत है, जो गलत किया हुआ है, अगर वो सही है तो मुझे उसका 1 मार्क्स तो मिलेगा क्योंकि वो सही है। और रेलवे ने अभी उसके गलत करके उसके 0.33 मार्क्स काटे हुए हैं, तो मुझे वो 0.3 भी वापस मिल जाएंगे, तो मेरे हो जाएंगे 1 नंबर सही का और जो रेलवे ने काटा हुआ है 0.33 उसका, तो 1.33 मार्क्स मेरे और बढ़ जाएंगे। तो कुल हो जाएंगे इसमें 1.33 अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरा 26.33। और मैं ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये क्लियर कर जाऊंगा और मेरा पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, साईं बाबा की कृपा थी और सभी भगवान की कृपा थी। तो मैं उस रात बस यही देखता रहा कि कोई क्वेश्चन मुझे मिल जाए जो मेरा सही हो और हो सकता है काट दिया गया हो गलती से। तो दोस्तों, मुझे एक क्वेश्चन मिला, तो वो था लेज़र लाइट का, कि लेज़र लाइट जो रहती हैं, लेज़र की जो लाइट है वो कोहरेंट रहती है या नॉन कोहरेंट। तो दोस्तों, मैंने पढ़ा हुआ था कि कोहरेंट रहती तभी वो लंबी दूरी तक ट्रैवल करती है, नॉन कोहरेंट होती तो बिखर जाती, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। तो उन्होंने लिख किया हुआ था कि वो नॉन कोहरेंट है, पर मेरा सही था कि वो कोहरेंट है। तो दोस्तों, मैंने मेरे बहुत सारे टीचर्स थे बीटेक वाले और सभी से मैंने उसको सुबह फॉरवर्ड किया कि सर ये क्वेश्चन सही है या नहीं, फिर ऑब्जेक्शन लगाऊंगा। तो कईयों ने बताया कि ये सही है, तो आप ऑब्जेक्शन लगा दो। तो मैंने 50 रुपये पे करके ऑब्जेक्शन लगा दिया और उसके बाद रिजल्ट दोबारा आया। तो बहुत सारे, तब स्टार्टिंग में बहुत सारी डाउट्स थी, तो रेलवे भी जो लगा रहा था वो तो उसके ऊपर काम कर रही थी, शायद TCS उसको कंडक्ट करती थी, तो रेलवे नहीं कर रही थी, TCS या TSC ऐसे कुछ था। तो देखिए, झड़ छोड़िए उसको। तो मैंने जो ट्रेड टेस्ट था बी पार्ट, उसमें करेक्शन के बाद इसमें बताया हुआ है कि टोटल अटेम्प्ट किए थे 64 और मेरे 36 क्वेश्चन सही हुए थे और 28 दोस्तों गलत हो गए थे। 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वगैरह आने के बाद, दोबारा रिजल्ट आने के बाद उनको इग्नोर किया गया, तो टोटल वैलिड क्वेश्चन हुए 75 में से 4 और मेरे रॉ मार्क्स बन गए थे दोस्तों 26.66। तो दोस्तों, इस ये दिन था तब मुझे लगा था कि हाँ, अब मेरा सिलेक्शन श्योर हो सकता है, कहीं ना कहीं मैं सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों, आउट ऑफ 100 जब निकाला गया तो इतना हो गया था, और जबकि मेरा दोस्तों 21 तारीख को था एग्ज़ाम, पहली शिफ्ट और पहले ही दिन था, तो कोई पता नहीं था, इसलिए नॉर्मलाइज करके हमारे मार्क्स को बढ़ाकर 61 कर दिया था दोस्तों। क्योंकि पहली शिफ्ट और पहले दिन क्या रहता है दोस्तों, आपको प्रोसीजर का नहीं पता रहता। अब दोनों एग्ज़ाम थे साथ में, ये पता था कि दोनों एग्ज़ाम है, पर ये लग रहा था कि पहले का एग्ज़ाम होगा पार्ट ए, फिर थोड़ा सा गैप देंगे पानी वानी पीने का और फिर पार्ट बी चालू हो जाएगा थोड़ी देर बाद। पर दोस्तों, हुआ क्या था कि जैसे ही पार्ट ए का 1.5 घंटा पूरा हुआ, उसके पूरा होते ही जस्ट पॉपअप हुआ पार्ट बी का टेस्ट और तभी से स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, थोड़ा सा माइंड एकदम से आदमी सेट नहीं रहता, तो अच्छा क्वेश्चन भी थोड़े से हार्ड थे, तो इसलिए हमारा नॉर्मलाइज होके अच्छे मार्क्स बन गए थे, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था, बस एक बार पास होना था, कट ऑफ लानी थी, इसके मार्क्स जुड़ने नहीं थे। तो जो पास होने का था वो हमने कर दिया था। उसके बाद में जिसकी मेरिट बननी थी वो है पार्ट CBT 2 का पार्ट ए, इसका रिजल्ट 2 बार आया था पर मेरे को कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं। देखिए, फर्स्ट टाइम जैसे कि मैंने लिखा है, फर्स्ट टाइम जब रिज़ल्ट आया दोस्तों, तो मैंने 89 अटैम्प्ट किए थे, टोटल मेरे 70 थे,
दोस्तों मैं आपको भी एक सलाह देता हूँ कि जितना आपको पहले सही आता है और जिसमें 50-50% डाउट लग रहा है फिर उसको कीजिए, गलत करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं तो जितना आता था उतने ही अटेम्प्ट करके आता था, जो नहीं आते थे बिल्कुल, जिनको कभी सुना ही नहीं था तो उनको छोड़ देता था। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 इग्नोर किए गए, टोटल वैलिड क्वेश्चन हो गए 97, रॉ मार्क्स मेरे आए थे 63। CBT 2 का है दोस्तों ये, आउट ऑफ 165 बने थे और फिर नॉर्मलाइज होकर 68। अब आप कहेंगे कि तो ये 100 मार्क्स का तो था ही, तो आउट ऑफ 100 क्यों लिखा है? दोस्तों देखिए यहाँ पे 97 क्वेश्चंस में से मेरे नंबर आए थे इतने। अब ये जो 3 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए गए इनको हटाकर सभी में आउट ऑफ 100 निकाला गया तो तब 65 मेरे बने थे और नॉर्मलाइज होकर इतने बन रहे थे 68.82। फिर दोबारा रिजल्ट आया, ये आया था 5 तारीख को, 5 अप्रैल को, और इसका फिर 29 तारीख को दोबारा रिजल्ट आया। दोस्तों सिलेक्शन में तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ही रही, हर बार कन्फ्यूज़न ऐसा रहता था। फिर दोबारा जब आया तब बोला था कि पहले 97 थे, अब बोला ठीक है नहीं 98 है, फिर 64, और आखिर में नॉर्मलाइज में मेरे को कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं, पहले 68.82 थे अब 68.85 हो गए। बस यही था कि यहाँ पे यस लिखा था, देख पा रहे होंगे नीचे, तो शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऐसे आ गया था दोस्तों, यही चाहिए था, ये नीचे लिखा है यहाँ पे ये रहा। उसके बाद इसका एग्ज़ाम होने के बाद दोस्तों आया CBT 3 साइको टेस्ट। अब दोस्तों बहुत मेरे भाई लोग तो यहीं फंस गए थे CBT 2 के अंदर, किसी का टेक्निकल नहीं निकला तो किसी के मार्क्स इसमें कम रह गए थे, किसी को पता नहीं था कि दोनों पेपर इकट्ठे होने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों CBT 3, CBT 3 कितने दिन में हुआ था। तो जैसे ही रिजल्ट आया, ज़्यादा दिन नहीं मिले थे CBT 3 के लिए केवल 20-25 दिन ही मिले थे। अब उसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया है, बहुत सारी वीडियो बना के भी रखी है कि साइको टेस्ट कैसे होता है, बहुत ही मेन पार्ट है। अगर आप ALP के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्नीशियन का साइको टेस्ट नहीं होता है दोस्तों, साइको की तैयारी CBT 2 के बाद करेंगे तो भी काम चल जाएगा, अभी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेड टेस्ट और CBT 2 के लिए दोस्तों अपने आप को तैयार कर लें। CBT 2 का जो रिजल्ट आया था दोस्तों उसमें मार्क्स मेरे आउट ऑफ 30 बने थे 22.67, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों 30 में से आपको मैं बता दूं हाईएस्ट जो मार्क्स आए थे वो थे 23.5 ऐसे, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे दोस्तों, जहाँ तक मैंने देखा था दोस्तों का रिजल्ट, बहुतों का देखा मैंने, तो इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया था। अब बात थी मेरिट लिस्ट की, तो अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। अब दोस्तों मेरिट लिस्ट जो बनती है वो बनती है जितने मैंने मार्क्स CBT 2 के पार्ट ए में लिए थे, जो कि हैं 68.85901। ये दोस्तों ये जो नीचे देख रहे हैं ये एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने उस समय लिया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था और मेरा रिजल्ट आ गया था। हमें पता था कि 30% मेरे पार्ट ए का जुड़ेगा और साइको के मार्क्स जुड़ेंगे, मतलब इधर से 30% हटा दो और साइको 30 का है तो 30 उधर जोड़ दो, ऐसे था। तो मैंने इसका निकाला था और साइको के मार्क्स जो कि मैंने अभी दिखाए उनको जोड़ के मेरे टोटल मार्क्स सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट के लिए 70.87 बन रहे थे दोस्तों। अब
मन में बात ये थी कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अब सभी चीज़ें क्लियर हो गई थी, साइको टेस्ट सब कुछ क्लियर हो गई थी, बस अब एक था कि मेरिट लिस्ट में नाम कब आएगा, कैसे आएगा, और आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों टोटल जो वैकेंसी थी रेलवे में मुंबई वो थी 1866 1866। और जो रिज़ल्ट आया दोस्तों, जिसमें मेन लिस्ट के लिए बुलाया गया था, मेन लिस्ट मतलब कि भाई ये वेटिंग लिस्ट और मेन लिस्ट, ये मतलब है दोस्तों इसका, मतलब ये वो लड़के हैं जिन्होंने 1866 की लिस्ट में कट ऑफ में आए हैं। बहुत कंफ्यूजन था दोस्तों जब ये रात को लिस्ट आई थी, तो मैंने जितने भी दिल्ली पटना साइको टेस्ट के टीचर्स थे सबके पास फ़ोन घुमा दिया कि सर ऐसे ऐसे ये है, मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तब सभी ने कहा कि भाई आपका मेन लिस्ट में देख लीजिए जो परसेंटेज दी हुई है, अगर वो परसेंटेज आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए मैंने भरा था इन चार वैकेंसी के लिए, ये चार हैं। अब जो मुंबई है आरआरबी मुंबई, उसमें भी दोस्तों चार थी, सेंट्रल रेलवे मैकेनिकल के लिए, सेंट्रल रेलवे इलेक्ट्रिकल के लिए, WR वेस्टर्न रेलवे मुंबई वलसाइड साइड, और ये साउथ सेंट्रल रेलवे, ये नीचे की तरफ कर्नाटक साइड, ये चार के लिए था। इसमें बस ऑप्शन डालना था कि पहले कौन सा दूसरा कौन सा, तो मैंने सबसे पहले CR डाला था, इसमें ज़्यादा वैकेंसी थी तो इसको डाला। तो इसमें नंबर थी जर्नल की, तो मैं जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो 71, इसके लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे नंबर थे 70.84, जैसा कि मैंने कैलकुलेट किया था। दूसरा था दोस्तों 71.49, तो इधर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। ये था नीचे वाला 71.97, इधर भी नहीं हो रहा था। फिर ये था दोस्तों SCR 70.71, यहाँ मुझे दिखा कि हाँ 70.71 है, इसका मतलब मुझे लिया गया है, क्योंकि मेरे मार्क्स ज़्यादा थे। तो यहाँ पे जिस लड़के के 70.71 मार्क्स थे, 70.71046 वो लड़का, इस मार्क्स तक के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो इसका मतलब मैं भी सेलेक्ट हो चुका हूँ। ये था दोस्तों। तो दोस्तों ये दिन था, खुशी की लहर पूरी दौड़ चुकी थी। आशा करता हूँ आपकी ज़िंदगी में भी इसी तरह का दिन आएगा। और दोस्तों कभी भी मेहनत मत छोड़ो, एक एक नंबर नहीं डेसिमल से भी वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, फिफ्थ डेसिमल है दोस्तों, 4 6 फिफ्थ है ये 7 1 0, तो ये पांचवा डेसिमल तक लड़ाई लड़नी है दोस्तों आपको। आगे बात करते हैं, तो उसके बाद दोस्तों हमें बुला लिया गया था मेरिट लिस्ट, मेन लिस्ट में आने के बाद में आया था रिज़ल्ट। उसमें फिर हमारा होना था दोस्तों मेडिकल। अब जो मेडिकल होना था उसके लिए बुलाया गया था दोस्तों 1.5 गुना बच्चों को, और फिर मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद मेडिकल में हम गए, हमारे हाथ पर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, एक बैंड बांधा गया, वो एक मेडिकल के लिए फॉर्मेलिटीज़ जो जो थी, बायोमेट्रिक वगैरह, वो सारी कराई गई। और मेडिकल में सक्सेस होने के बाद फिर हमें करीबन 1 साल का वेट करना पड़ा था दोस्तों। एक बार ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, फिर कोविड आ गया, तो कोविड के बाद फिर दोबारा से ज्वाइनिंग लेटर आया, फिर हमें ट्रेनिंग के लिए ZRTI भुसावल बुलाया गया। वहाँ 4-5 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम अभी वर्किंग में हैं, और अभी 2 साल पूरे होने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको कोई किसी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।